हमारे देश में एनीमिया का जो इंसिडेंस है वो है अराउंड 40 to 50%। इसका मतलब ये है कि आपके मेडिकल और नर्सिंग के करियर में पल पल आपका सामना ये जो एनीमिया के पेशेंट्स हैं इनसे होने वाला है। तो दोस्तों, एनीमिया डायग्नोस करने का एक बहुत ही सरल और आसान तरीका है और वो है पैलर, जो एक क्लिनिकल साइन है। और दोस्तों, एनीमिया का पेशेंट अच्छे से डायग्नोस करने के लिए ये जो पैलर है ये आपको पेशेंट में पहचानते आना चाहिए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम पैलर के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो को आप अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिल सके। नमस्ते दोस्तों, फंडा मेडिकल में आपका स्वागत है। मैं हूँ डॉक्टर सौरभ और चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, आज हम पैलर जो है ये 5 हेडिंग्स में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैलर क्या है, फिर बाद में हम देखेंगे कि ये जो पैलर है ये हम कहाँ कहाँ कौन से साइट्स में देखते हैं, फिर तीसरा हम ये देखेंगे कि ये जो पैलर है हम एक्चुअली इसे कैसे देखते हैं, फिर इसका हम क्लिनिकल ग्रेडिंग देखेंगे, फिर इसके कुछ कॉजेस और कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जिससे ये जो पैलर है ये मास्क हो जाता है। तो दोस्तों, पैलर यानि क्या? हम सबको पेल ये शब्द पता है। पेल का मतलब होता है फीकापन। तो पैलर जो है वो है फीकापन। लेकिन फीकापन किसका, मतलब कौन सी चीज का जो कलर है वो फीका हो जाता है? तो हमें पैलर में आइदर म्यूकस मेम्ब्रेन देखना है या तो ऐसी स्किन देखनी है जहाँ पे बहुत सुपरफिशियल ब्लड वेसल्स है। तो दोस्तों, पैलर अच्छे से समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या फिर स्किन जो है उसे कलर नॉर्मली कैसे आता है। तो ये मैंने एक जो लाइन निकाली है ये आइदर समझो आप म्यूकस मेम्ब्रेन है या तो स्किन है। फिर इसके नीचे बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज रहती है। एक रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं ऐसे यहाँ पे एक ब्लड वेसल निकालता हूँ जिसे हम एक कैपिलरी समझेंगे। अब ये जो कैपिलरी है इसमें से ब्लड फ्लो हो रहा है जिसका कलर जो है वो रेड है, और इसी के कारण ये जो ब्लड है इसके रेड कलर के कारण ऊपर का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या फिर स्किन है उसका एक पर्टिकुलर कलर रहता है। अब ये जो कलर है ये कौन से चीज़ के कारण रहता है? तो हमें पता है कि जो ब्लड है उसमें जो कलर देने वाला पिगमेंट है वो है हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों, ये जो हीमोग्लोबिन है ये जब कम हो जाता है, मतलब जब पेशेंट को एनीमिया हो जाता है, तो ब्लड का जो कलर है जो नॉर्मल डार्क रेड कलर है वो फीका पड़ने लगता है, और इसके कारण फिर म्यूकस मेम्ब्रेन और जो स्किन है उसका कलर भी फीका पड़ने लगता है। और ये जो कलर का फीकापन है इसे ही हम पैलर कहते हैं, और ये पैलर के थ्रू फिर हम एनीमिया का डायग्नोसिस करते हैं। तो दोस्तों, अब ये जो पैलर है ये देखने की साइट्स कौन सी है? तो ये जो साइट्स है ये 4 साइट्स में हम पैलर देख सकते हैं। पहला है नेल बेड, दूसरा है टंग एंड ओरल म्यूकोजा, तीसरा है लोअर पालपेब्रल कंजंक्टिवा, और चौथा है पाम ऑफ हैंड। अब ये जो 4 साइट्स है यहाँ पे हम पैलर कैसे देखते हैं? तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं नेल बेड से। तो हमारे जो नेल्स है, हमारे जो नाखून है, इसके कलर से हम पैलर पहचानते हैं। जैसे कि आप ये जो पिक्चर है इसमें देख रहे हैं कि सबसे ऊपर का जो पिक्चर है इसमें जो नाखून है उसका कलर जो है ये नॉर्मल पिंक है, कोई भी नॉर्मल आदमी जैसा। हम हमारे कलर के साथ भी पेशेंट के नाखूनों का कलर कंपेयर कर सकते हैं। तो ये अगर कलर नॉर्मल पिंक है तो पेशेंट को पैलर नहीं है। ये जो कलर है ये थोड़ा सा अगर फीका पड़ने लगा है तो हम इसे माइल्ड पैलर कहते हैं, और ये जो नाखून है ये अगर कम्प्लीटली वाइट हो गए तो हम इसे सीवियर पैलर कहते हैं। दूसरा हमें देखना है टंग से पैलर कैसे देखते हैं। तो उसके लिए हमें पेशेंट को मुंह खोल के
जीभ बाहर निकालने के लिए कहना है, और टंग का जो ऊपर का सरफेस है जिसे हम डॉर्सल सरफेस कहते हैं, उसके कलर से फिर हम पैलर की पहचान करते हैं, या तो जो अंदर ओरल म्यूकोजा है उसके कलर से भी हम पैलर पहचान सकते हैं। तो ये जो टंग है उसका जो डॉर्सल सरफेस है उसका कलर अगर पिंक है तो पेशेंट को पैलर नहीं है। अगर ये जो कलर है ये थोड़ा फीका हो गया है तो ये माइल्ड पैलर है, और ये जो टंग है ये अगर बहुत ही फीकी यानी एकदम ऐसी वाइट जैसी दिख रही है तो इसे हम सीवियर पैलर कहते हैं। दोस्तों आपको एक सावधानी लेना बहुत ही ज़रूरी है कि जब भी आप पैलर देखेंगे तो ये हमें नेचुरल लाइट में देखना है, ये आपको सावधानी लेनी है। अब हम देखते हैं कि लोअर पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा वहाँ पे पैलर कैसे देखते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आप थोड़ा ध्यान से सुनिए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि पेशेंट को आँख से ऊपर देखने के लिए कहेंगे और फिर ये जो लोअर आईलिड है इसको थोड़ा सा नीचे खींचेंगे और फिर वहाँ जो कंजंक्टिवा है उसके कलर से हम फिर पैलर का असेसमेंट करते हैं। तो अब मैं एक डायग्राम से आपको अच्छे से समझाता हूँ। तो दोस्तों ये जो है ये आँख है, और जब हम नीचे की आईलिड खींचेंगे तो ये जो है यहाँ पे हमें इस तरह से ये जो कंजंक्टिवा है ये दिखेगा। तो ये जो कंजंक्टिवा है इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं इस प्रकार से। तो जो आँख के पास है उसे कहते हैं पोस्टेरियर रिम, और जो सामने है इसे कहते हैं एंटीरियर रिम। तो दोस्तों ये जो एंटीरियर रिम है इसका जो कलर है वो थोड़ा सा रेडिश रहता है कंपेयर्ड टू द पोस्टीरियर रिम, लेकिन जब ये एंटीरियर रिम का कलर थोड़ा सा फीका हो जाए तो हम इसे कहेंगे कि पेशेंट को माइल्ड पैलर है, और जब ये एंटीरियर रिम का कलर पोस्टीरियर रिम जैसा ही एकदम ही पेल हो जाए, मतलब हमें पोस्टीरियर रिम और एंटीरियर रिम ये अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं करते आएगी, दोनों के दोनों एकदम पेल दिखेंगे, तो हम कहेंगे कि पेशेंट को सीवियर पैलर है। तो ये हो गया जब हम लोअर पाल्पेब्रल कंजंक्टिवा में पैलर देखते हैं। फिर आता है पाम, मतलब हमारे हथेली पे हमें पैलर कैसे पहचानना है। तो दोस्तों आप ये वीडियो में देख रहे हैं कि हमें जो पेशेंट है उसको उसे उसकी हथेली खोलने के लिए कहना है, और हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ये जो हथेली है ये हमें स्ट्रेच करके नहीं रखना है, और फिर हमें उसके जो पाम का कलर है या इधर हमारे पाम के कलर के साथ या फिर कोई नॉर्मल पेशेंट के पाम के कलर के साथ कंपेयर करना है। अगर पाम का कलर नॉर्मल है पिंक है तो पेशेंट को पैलर नहीं है। अगर पेशेंट का जो पाम का कलर है वो थोड़ा फीका है लेकिन जो पामर क्रीज है उसका जो कलर है वो डार्क है तो हम कहेंगे कि पेशेंट को माइल्ड पैलर है, और फिर बाद में हमें जो पामर क्रीज है उसका भी कलर असेस करना है, उसके लिए हमें पेशेंट का जो हाथ है हथेली है उसको स्ट्रेच करना है, फिंगर स्ट्रेच करनी है, और फिर जो पामर क्रीज है उसकी बाजू की जो स्किन है उसे भी स्ट्रेच करना है। उसके बाद अगर जो पामर क्रीज है उसका जो कलर है वो भी अगर फीका हो जाए, मतलब पामर क्रीज के साथ साथ पाम दोनों का कलर अगर फीका है तो हम कहेंगे कि पेशेंट को सीवियर पैलर है। तो दोस्तों इस प्रकार ये चार साइड्स में हम पैलर का असेसमेंट करते हैं। अब हम देखेंगे कि ये जो पैलर है इसका क्लिनिकल ग्रेडिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों जब हम पैलर का ग्रेडिंग करते हैं तो हम इसे तीन इसमें ग्रेडिंग करते हैं, माइल्ड मॉडरेट और सीवियर। तो माइल्ड पैलर हम कब कहेंगे, जब म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर फेड हो गया है, मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब क्या, आइदर कंजंक्टिवा एंड और टंग, इसमें अगर हमको पैलर दिखे तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट को माइल्ड पैलर है। फिर मॉडरेट पैलर मतलब यहाँ पे तो पैलर है ही, फिर साथ में हमें स्किन में भी पैलर दिख रहा है, मतलब पाम में भी हमें पेशेंट को पैलर दिख रहा है, मतलब ये हो गया मॉडरेट पैलर। फिर उसके बाद सीवियर पैलर जिसमें कंजंक्टिवा और एंड और टंग में तो पैलर है ही, प्लस पाम में भी पैलर है, प्लस
जो पार्मर क्रीज है उसमें भी पैलर है, पार्मर जो क्रीज है उसका भी जो कलर है वो फेड हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि पेशेंट को सीवियर पैलर है। तो ये हो गया पैलर का क्लिनिकल ग्रेडिंग। लेकिन दोस्तों ये जो क्लिनिकल ग्रेडिंग है इसके साथ अगर हम पेशेंट का एक्चुअल हीमोग्लोबिन कंपेयर करेंगे तो बहुत बार ये कोरिलेट नहीं होता, उसके बहुत सारे कारण हैं। लेकिन हमको पेशेंट में पैलर दिखे तो हम एटलीस्ट इतना हमारे दिमाग में आना चाहिए कि शायद पेशेंट को एनीमिया होगा, और ऐसे पेशेंट्स का फिर हमें ब्लड इन्वेस्टिगेशन करके एनीमिया का डायग्नोस करना चाहिए, और बाद में जो एनीमिया का फर्दर डायग्नोसिस है वो हम कर सकते हैं। अब ये जो पैलर है इसके कॉजेस क्या हैं, तो जैसे कि हमने ये जो डायग्राम है ये पहले देखी थी, ये ब्लड वेसल में से ब्लड फ्लो हो रहा है और इसके कारण हमें कलर स्किन का या म्यूकस मेम्ब्रेन का मिलता है। तो जब भी जो हीमोग्लोबिन है वो कम हो जाएगा मतलब एनीमिया होगा तो पैलर होगा। दूसरा, ये जो ब्लड है इसका जो कलर है उसका कम होने का कारण है कि अगर ये जो ब्लड है इसका जो फ्लो है वो अगर कम हो गया, नॉर्मली जब फ्लो मेंटेन रहता है तो जो ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है वो कंटिन्यूस अंदर आते रहता है और कलर मेंटेन रहता है, लेकिन कोई कारण से अगर फ्लो कम हो गया तो ये जो ब्लड है इसका कलर भी फिर फीका होने लगता है क्योंकि ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन कम होने लगता है, और ऐसे कंडीशन में भी हमें पैलर दिखेगा। तो ये जो जनरलाइज्ड डिक्रीज ब्लड फ्लो की कंडीशन है वो है सर्कुलेटरी शॉक, मतलब शॉक में भी हमें पैलर दिख सकता है। अगर आप में से कोई आईसीयू में काम कर रहा है तो आप शॉक का पेशेंट जरूर देखिए, उसमें आपको पैलर जरूर दिखेगा। फिर तीसरा कारण है पैलर दिखने का, वो है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। अगर कोई कारण से ये जो ब्लड वेसल है ये अगर वेजो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गई मतलब इसका डायमीटर कम हो गया तो भी ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ये आपको कब दिखेगा, ठंडी के मौसम में जब हमारे हाथ जो है वो ठंडे पड़ जाते हैं, और उसमें अगर आपने पेशेंट के हाथ देखे तो आपको वैसे ही पेशेंट के हाथ में पैलर दिख सकता है। तो ये हो गए इसके कॉमन कॉजेस। हाँ, और एक कॉज रह गया हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म में जनरल मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है और इसके कारण भी हमें पैलर दिख सकता है। फिर ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसके कारण ये जो पैलर पेशेंट को होने के बावजूद भी हमें न दिखे, तो इसका एक बहुत ही कॉमन कारण है वो है कंजंक्टिवाइटिस। अगर पेशेंट को कंजंक्टिवाइटिस है यानी कंजंक्टिवा का इन्फेक्शन है तो वहाँ पे पूरा इन्फ्लेमेशन के कारण वो जो कंजंक्टिवा है वो रेड हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में अगर पेशेंट को पैलर है भी तो इन्फ्लेमेशन के कारण हमें वहाँ पे पैलर नहीं दिखेगा। दूसरा, अगर कुछ ऐसी कंडीशंस है जहाँ पे वेजो डायलिटेशन हो रहा है तो वहाँ पे भी हमें पैलर नहीं दिखेगा। अगर पेशेंट गर्म पानी से हाथ धो के आया है और अगर आपने वहाँ पे पैलर देखने की कोशिश की तो शायद आपको पैलर ना दिखे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का वीडियो देखने के बाद आप कॉन्फिडेंटली पेशेंट में पैलर पहचान सकेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।